नमस्कार, मैं संदीप त्रिवेदी। बहुत दिनों से मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे चाय और रेसिपीज और अलग अलग जो इंडियन मसाल्स है उसको कैसे हम लोग वायरस के लिए बेनिफिट यूज़ कर सकते हैं वो बता रहा था। मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की आप हमें बताइए वीडियो के थ्रू रेसिपी के लिए। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, इसके लिए मैं भगवान को नमस्कार करके आपके लिए ये सिंपल एक रेसिपी लेके आया हूँ। आप सब लोग जानते हो कि ज्वार, बाजरा और इनकी रोटियां बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, पर ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से हम लोग उसको अक्सर नहीं बनाते हैं। वो सब गृहिणी और मेरी जो सिस्टर्स और हैं उनको सब पता रहेगा। तो मैं एक सिंपल रेसिपी लेके आया हूँ जिससे आप बहुत ही कम टाइम और जहाँ पे लॉकडाउन है, कम इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है और हम साथ में वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, तो बहुत ही कम टाइम में ये बनने वाली रेसिपी है विथ बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स। तो मैं आपको करता हूँ, आपको चाहिए ये है हल्दी, ये ऑप्शनल है, मिर्ची, जिंजर है, ये जिंजर सूखा हुआ है जो मैंने कूट लिया है, पुदीना है, पुदीना ऑप्शनल है, करी लीव्स है, करी लीव्स भी ऑप्शनल है, अगर रहेगा तो अच्छा है, और ये है, और ये आमचूर पाउडर है जो ऑप्शनल है। तो इन बहुत ही कम चीज है जिसमें आप हल्दी और मिर्ची और धनिया पाउडर को भी ऑप्शनल ले सकते हो, पर मैं यहाँ पे यूज किया है। ये है रागी, मैंने रागी नहीं है, ये ज्वार है, ये ज्वार को मैं 8 घंटे तक भिगो के रखा था। तो अभी हम इसको मिक्सचर पीस लेंगे, तो मैं ये मिक्सचर जार में इसको डाल देता हूँ सीधा। तो आप देख सकते हैं मैंने ज्वार का जो है पेस्ट बनाया है, जो भिगोया है, मिक्सचर को ग्राइंड कर दिया है, 1 सेकंड 2 मिनट में हो गया। अभी हम एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे, आप चाहिए तो ऑयल भी ले सकते हैं। उसके अंदर अब मैं ये जो जीरा है और करी पत्ता वो डालूंगा। आप देख सकते हमारा जीरा जो है वो भून चुका है, अभी इसमें मैं साबुत मिलाऊंगा, मैं मिर्च का पाउडर यूज नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा तीखा नहीं बनना चाहिए मुझे। और उसके अंदर जर ये जो मैंने कूट के डाला था वो डाल रहा हूँ, और ये पुदीना और बाकी हरी मिर्च, धनिया, ये सब डाल रहा हूँ। और इसे हम थोड़ा कर देंगे, और इसमें हम डालेंगे अभी अपना ज्वार, इसे मैंने गैस की फ्लेम जो है वो बहुत स्लो रखी है। अभी इसमें हम आपको जिस हिसाब से पतला करना है उसी हिसाब से आप पानी डालेंगे, मैंने यहाँ पे 2 ग्लास पानी डाला। इसमें आप चाहे वो बॉइल्ड वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स के साथ आप और भी इंग्रेडिएंट्स थे जैसे काली मिर्च है, पर मैंने यहाँ पे बहुत इंग्रेडिएंट यूज़ किए, आप चाहे तो सिर्फ अदरक और हल्दी और नमक सकते हैं। अभी हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, ये मैंने स्वाद अनुसार 1 टेबलस्पून नमक लिया है जो मैं इसमें डाल रहा हूँ। मोस्टली गुजराती जो है थोड़ा मीठा खाते हैं, तो इसमें गुड़ या तो शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गुड़ या शक्कर नहीं डाल रहा हूँ। तो ये अभी इसे हम 20 से 15 मिनट तक होंगे, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे ताकि बहुत ही एक रस होंगे। तो ये जो है अभी रेसिपी हमारी तैयार हो गई है, ज्वार की करी। तो जो रोटी बना के ज्वार नहीं खा सकते वो इस तरह से बाजरे का या रागी का सूप बना सकते हैं, इसको आप सूप भी बोल सकते हैं। इसमें अगर आप मेथी मिले तो मेथी के पत्ते या और कोई भाजी भी इसमें आप डाल सकते हैं, पर मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास पुदीने था तो मैंने पुदीना डाला है इसमें, आप चाहे वो पत्ता इसमें डाल सकते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट है, आपको आप ज़रूर से आप ट्राई कीजिए, हेल्दी भी है ये और आपके घर में सबको पसंद पड़ेगा। इसमें मैंने आमचूर पाउडर है, आप चाहे तो इसमें टमाटर प्योरी डाल सकते हो, पर मैंने पाउडर डाला है। तो कम से कम इंग्रेडिएंट्स में और कम से कम टाइम की
जो जुआर है, जुआर करी या तो जुआर सूप है, तैयार हो गया है और इसको आप 10 से 15 मिनट के बाद सर्व कर सकते हो। आप ब्रेकफास्ट में या तो लंच में या तो डिनर में सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा ये नीचे से हिलाते रहिए ताकि वो गर्म होने पे चिपके नहीं। तो इस प्रकार आपकी करी हो गई है और मैं आपको 10-15 मिनट के बाद बताऊंगा कैसी हुई है। अभी ये 5 मिनट हो गई है और मेरी जो करी है वो पक गई है। आप देख सकते हैं ये कितनी गाढ़ी हो गई है। तो अभी इसमें मैं चाहूँ तो एक्स्ट्रा पानी भी डाल सकता हूँ, पर मैं इसको थोड़ी गाढ़ा चाहता हूँ। और इसमें कम से कम जो एक वाटी मैंने जुआर लिया था उसमें कम से कम 3 बड़े गिलास पानी आ चुका है। इसमें चाहे तो आप जैस हिसाब से आप उसको पतला करना चाहते हो वो इसे उसको और पतला कर सकते हो। ये हमारी कढ़ी जो है पक चुकी, तो इस ये सर्व करने के लिए रेडी है। मैं एक सर्व बाउल में डाल रहा हूँ टेस्टिंग के लिए, और तब तक मैं गैस बंद कर देता हूँ। इसे आप ढक के रखिए। ताकि वो बाफ की वजह से उसमें ही पकी रहे। इसमें जिंजर और पुदीना का बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है, और चाहे तो आप इसको और लिक्विड फॉर्म में कर सकते हो, और मैं इसे और लिक्विड फॉर्म में करूंगा क्योंकि मैं गुजराती हूँ और गुजरात है वो थोड़ा लिक्विड करी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं इसे लिक्विड फॉर्म में करूँगा और आप चाहे उतना पानी इसमें रखते हो आपके ऊपर है। जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप इसको घुमाते रहिए, हिलाते रहिए, और इसके साथ साथ आप इसमें जो भाजी है सब भी डाल सकते हो, जिससे आपका ये एक फुल ब्रेकफास्ट सूप हो जाएगा। डिनर के टाइम पे भी आप इसको लाइट डिनर के तौर पे यूज़ करते हो। तो लॉकडाउन के टाइम में 10 से 15 मिनट में हो जा रही है ये करी, और यकीन मानिए कि इसके जो 2 या 3 बाउल अगर आप पी लोगे तो आपको बहुत ही पेट भर जाएगा और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आपका हाजमा जो है वो ठीक रहेगा, और लॉकडाउन के टाइम पे आप भी अच्छी तरह से आपकी सेहत की जो है ध्यान रख पाओगे। तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरी रेसिपी को अगर पसंद आई तो आप उसको लाइए और उसको बनाइए और हेल्दी रहिए। धन्यवाद।